अगर मिड रेंज फ़ोन की बात करें तो ऑनर 8X काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था। इस साल ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया क्योंकि इसका जो फीचर था वो भी काफ़ी अच्छा था और एक हिसाब से वैल्यू फॉर मनी फ़ोन था ये। जैसे कि ये फ़ोन लॉन्च है उसके बाद एक और चीज़ मोबाइल मार्केट में चल रहा है वो है ऑनर 8X मैक्स के बारे में। तो अभी ये जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारा एक्सपेक्टेड है, इसका प्राइस, इसका लॉन्च डेट और इसका स्पेसिफिकेशन। तो अगर आपको जानना है इसका फीचर क्या हो सकता है, एकदम एग्जैक्टली तो ये नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा आगे पीछे रहेगा, तो अगर आपको जानना है क्या होगा तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, आई एम आशिर्वाद गोपाल। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की लुक वाइज, तो ये दिखने में काफी हद तक उसी के जैसे बैक से, लेकिन फ्रंट में से आपको मिलेगा नॉच यानी ड्यू ड्रॉप या फिर वाटर ड्रॉप नॉच, काफी अच्छा लग रहा है इस फोन में। बात करें इस फोन की कोर की, कौन से कोर लाए, तो इसमें आपको 1.8 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल सकता है और इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 636 विथ 4GB रैम। ओके, 7.12 इंच का आपको डिस्प्ले मिलेगा, IPS LCD रहेगा, ठीक ठाक है। सेक्शन प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा विथ LED फ्लैश, सेक्शन प्लस 2 मेगापिक्सल काफी कॉमन हो गया लेकिन आजकल। ओके, फ्रंट में देखा जाए तो फ्रंट में मिलेगा आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा थोड़ा सा कम है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बैटरी की तरफ, तो इसमें आपको मिलेगा 5000 mAh की बैटरी। 5000 mAh की बैटरी बहुत है। ओके, और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे कि इस फोन का जो एक्सपेक्टेड इमेज है वो कुछ इस तरीके का है, आप देख लीजिए। और जहाँ तक प्राइस की बात करें तो ये आपको पड़ सकता है अराउंड 16,000 rupees। फोन होने कैसे वाला है वो तो इसके लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। जो जो एक्सपेक्टेड था सारा मैं आपको बता दिया। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलेगा, या फिर अगर आपको भी कुछ पता होगा इस फ़ोन के बारे में, या फिर आपको लगता है ये फ़ोन में ये रहेगा ये नहीं रहेगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ उस फ़ोन के एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में। बोला तो ऐसा जा रहा है कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में लॉन्च हो सकता है, कब होगा वो तो नहीं पता लेकिन इन दोनों के बीच होगा ऐसा बोला जा रहा है। बस ये था वीडियो, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम आशिर्वाद गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।